हेलो स्टूडेंट, आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं, हमारा पहले जो हो गया था वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी के बारे में हमने देखा था। अभी हमारा जो अगला टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है, इधर मास एंड वेट, ग्रेविटेशन में का अगला टॉपिक। अभी मास एंड वेट, भाई मास किसको बोलते हैं? मास मीन्स द कंटेंट ऑफ मैटर, कंटेंट ऑफ मैटर कितनी क्वांटिटी में, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है, मैटर इज अ मास। अभी एक चौक है, चौक के अंदर जितना मैटर है, जितना इसके अंदर कंटेंट ऑफ मैटर है, वो हो गया उसका मास। अभी ये मास जो है एकदम स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, क्वांटिटी है, सिर्फ क्वांटिटी कंसिडर कर रहे हैं इसके अंदर हम, करके ये द मैग्नीट्यूड है, करके ये द स्केलर क्वांटिटी। अभी इसका भी जो यूनिट है, इसको जो काउंट करते हैं, अभी इसको काउंट करने के लिए, कुछ मेजर करने के लिए कुछ यूनिट लगेगा, तो यूनिट कहाँ मिलेगी उसको, किलोग्राम में, ठीक है। अभी इसके बारे में हमें देखने लगे तो ऐसा यूनिट इज द किलोग्राम, स्केलर क्वांटिटी है। ये मास जो है, मास की वैल्यू चेंज होती नहीं, ये तो कांस्टेंट रहती। कौन से भी प्लैनेट के ऊपर, द मून के ऊपर लो, जुपिटर के ऊपर लो, सैटर्न के ऊपर लो, अर्थ के ऊपर लो, तो ये क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है, मैटर तो कम नहीं होगा ना, मैटर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, करके मास कैसा है, मास चेंज नहीं होगा। जैसे अभी यहाँ पे, अभी मास का जो यूनिट है, सपोज मेरा अगर यहाँ पे का मास, मास का मिलेगा मतलब किलोग्राम में लेते, तो सपोज मेरे बॉडी में जितना कंटेंट ऑफ मैटर है, तो मास है, अभी ऐसा का ऐसा उठा दिया तो मुझे मून के ऊपर भी लेके गए, तो इसके अंदर का मैटर कम नहीं होगा, मैटर है उतना ही, तो वो मैटर में चेंज होगा, तो वेट चेंज होगा, उसके बारे में बाद में देखेंगे हम। अभी द किलोग्राम, न्यूटन का पहला लॉ जो है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, जितना मैटर ज्यादा होगा उतना मास ज्यादा होगा। अभी द मेजर ऑफ इनर्शिया, द हायर द मास, हायर द इनर्शिया, यानी उसका ये मास ज्यादा होगा। अभी सेकंड जो है द वेट, वेट मीन्स क्या है, कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ कितना फोर्स एक्ट कर रही है, वो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ कितना फोर्स एक्ट कर रही, वो फोर्स मीन्स क्या होगा, उसका वेट। अभी हम जो वेट लेते हैं, वेट लेते हैं, हम सिर्फ मास ही कंसिडर करते हैं उसमें एक्चुअल। अभी मास का और वेट का यूनिट एक ही लेते हैं हम किलोग्राम में, मगर वो वेट, वेट मीन्स द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। अभी ये डिफाइन है द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है, अभी ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को तो मास है, फिर वो मास वाले ऑब्जेक्ट को अर्थ कितना फोर्स एक्ट कर रही, वो फोर्स है, नहीं क्या होगा इसका, वो ऑब्जेक्ट का वेट। अभी द अर्थ, द अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास या ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। अभी जो सरफेस है अर्थ के ऊपर, अभी यह अर्थ का सरफेस है, इसके ऊपर अर्थ या ऑब्जेक्ट को कितना फोर्स एक्ट कर रही, वो फोर्स यानी क्या होगा, यह ऑब्जेक्ट का वेट। अभी वो वेट कैसे निकालते, वेट इज द, वेट मीन द फोर्स, वेट इज द फोर्स, वेट इज द फोर्स। अभी फोर्स यानी क्या होगा, फोर्स, अभी न्यूटन का द सेकंड लॉ, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, या फिजिकल टू एम ए, तो ए मीन्स क्या होगा, द ग्रेविटी जी, डब्ल्यू इज इक्वल टू या वेट इज द फोर्स, फोर्स इज द एम ए, एम ए ए एन क्या कंसिडर है, इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो ग्रेविटी एक्ट हो रही वो ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी वो ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट का मास जो एक्स वाई जेड है उसके ऊपर जो अर्थ जो फोर्स एक्ट कर रही, यानी वो हो गया उसका वेट, ठीक है। ग्रेविटी मीन्स क्या है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द फोर्स इज द जी एम अपॉन आर स्क्वायर।
डब्ल्यू इज इक्वल टू ई ऑफ इक्वल टू एच द एसआई यूनिट। अभी इसका यूनिट क्या लेंगे, वेट का यूनिट, वेट का यूनिट में फोर्स का यूनिट, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, न्यूटन ना इट इज एज वेक्टर क्वांटिटी। अभी ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसी है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड, इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है करके ये जो क्या हो गई था वेक्टर क्वांटिटी है करके फोर्स वेट, वेट भी क्या हो गई था वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा इसको निकाला जाता। अभी सपोज एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का मास जो है अभी इसको निकालते समय कैसा निकालेंगे ना, सपोज एक ऑब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट का मास 75 किलोग्राम है, मास जो है तो 75 किलोग्राम है, तो ग्रेविटी उसके ऊपर 9.8 है, अर्थ के ऊपर, उसके ऊपर ग्रेविटी कितनी है, अर्थ अर्थ सरफेस के ऊपर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते हो 9.8 लेते, तो करके उसके उसके ऊपर यानी ये 75 किलोग्राम जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, यानी उसके ऊपर द 735 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है, यानी उसके ऊपर जो वेट क्या 735 न्यूटन, यानी एक किलोग्राम की अगर बॉडी है, एक किलोग्राम की अगर एक बॉडी है तो उसके उसका वेट कितना रहेगा, उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा वो कितना होगा 9.8 ये हो गया उसका वेट, ऐसा हुआ हमारा वेट और मास के बारे में लिखा। और वेट के बारे में जैसे जो ग्रेविटी है, ये ग्रेविटी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये हर एक ऑब्जेक्ट का अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आगे पर डिपेंड है, इसके बारे में हमारा हुआ द मास, मास ऑफ एनी प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट, ये तो जी जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, फिर काय के ऊपर डिपेंड है मास है रेडियस ऑफ अर्थ, तो अभी हर एक प्लैनेट का, हर एक जो प्लैनेट है उसका हर एक का मास अलग अलग है, उसकी रेडियस अलग अलग है, तो करके जो वेट आएगा वो अलग अलग प्लैनेट के ऊपर अलग अलग आएगा, करके उनकी ग्रेविटी भी अलग आएगी, ग्रेविटी अलग आने की वजह से उसका वेट भी अलग अलग आएगा, तो ये होगा हमारा मास और वेट के बारे में। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है द डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखें।